जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें ये कहता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष, तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन गंभीर वायलेशन है। आप ये देखें ना, कितना गंभीर वायलेशन है। हम छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूं, द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा, मेरी जिस अफसर ने ये जमीन देनी थी उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, भाई वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भाई, बात होगी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जमीन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज अ वायलेशन, ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है ये बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हड़का ना ले, 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये जो ये मैंने बताया था EBPBG का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं, दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बरादरियों के साथ, पंजाबी बरादरी भी इसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे, द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, परावर वाली जमीन में नहीं, और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में। तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूं, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूं, ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000%, कि भी इनका दम देखा जाए।